हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज समरदीप एंड आई एम एट सूरत एयरपोर्ट राइट नाउ। इट्स 8:30 राइट नाउ और फाइनली आई एम गोइंग टू हैदराबाद। सो वैसे मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं टू कम टू हैदराबाद, बट फाइनली आई एम गोइंग एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रॉम्प्टू सा प्लान था। वैसे मैं जा रही हूँ ड्यू टू सम रिलेटिव्स पर्पस, वैसे लाइक नॉट घूमने वाला बहुत ज़्यादा, बट हाँ तो बट जाना हुआ फाइनली। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था डेट आई गो टू हैदराबाद एंड आई एम सिटिंग एट एयरपोर्ट राइट नाउ। वैसे मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है। एंड यस, वन मोर थिंग, आई एम गोइंग सोलो, लाइक अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, अभी मेरे पेरेंट्स ड्रॉप करके गए मुझे थोड़ी देर पहले एंड देन मैंने सारी सिक्योरिटी चेक सब करवाया एंड देन मैं भी फ्री होकर बैठी हूँ। जस्ट 10 मिनट्स में इट विल ओपन एंड देन यस विल गो। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा लगेज आ ही नहीं रहा है। मैं 10 मिनट हो गए मेरे को खड़े हुए बट मेरा लगेज ही नहीं आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा लग रहा है मेरे को आया तो है ना। आ गया फाइनली, थैंक गॉड। हेलो गाइस, आई हैव रीच्ड हैदराबाद फाइनली एंड काफ़ी लाइक सिर्फ 1.5 घंटे की ही फ्लाइट थी और मैं अभी भी पहुंची और मेरा लगेज सीरियसली इतनी देर लगी आने में, मेरे को लग रहा था यार मैं डर गई थी आ जाए बस आ जाए। सो यस, अभी बस लगेज लेके मैं बैठी हूँ एंड सबको कॉल कर दिया है कि आई रीच्ड एज आई एम ट्रैवलिंग सोलो फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड यस, इट वॉज अ लाइक गुड जर्नी, वेरी नाइस जर्नी। और अब मेन बात एक्चुअली ये है कि मुझे 4 घंटे यहाँ पे हैदराबाद के एयरपोर्ट पे ही रुकना है एज सम ऑफ माई कजन्स आर ऑल्सो कमिंग, बट उनकी फ्लाइट जो है वो लेट है, आई मीन लेट नहीं है, देर से है, तो वो आएंगे बाद में और मुझे तब तक यहाँ पे वेट करना 4 घंटे। सो द थिंग इज आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू ओवर हियर एट एयरपोर्ट फॉर 4 आवर्स। अभी तो जस्ट मैं आके बैठी हूँ, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ 4 आवर्स एंड सीरियसली आई हैव जस्ट चेक्ड माय इंस्टाग्राम और मैंने स्टोरी डाली थी अबाउट कमिंग हियर, तो मुझे सच्ची इतने मैसेज आए हुए हैं अभी एंड आई फेल सो हैप्पी। बट द थिंग इज मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, तो यहाँ पे एक रिलेटिव के यहाँ जाना है फॉर सम रीजन्स, सो बस इसीलिए यहाँ पे आना हुआ है। सो या और तो कोई रीज़न नहीं है फिलहाल यहाँ पे आने का, और ये ट्रिप भी लाइक बहुत कुछ दिन पहले ही प्लान की थी। सो यस, दिस इज़ द अपडेट। अब देखते हैं हम क्या करेंगे 4 घंटे यहाँ पे। हेलो गाइस, सो मैं ना 1 घंटे से बैठी थी बट नाउ इट्स लाइक आई एम बोर्ड एज मुझे यहाँ पे 4 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली यू नो बिताना है, तो आई थॉट कि मैं एयरपोर्ट थोड़ा इधर उधर देख लूँ, एक्सप्लोर कर लूँ, देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या है घूमने के लिए। मैं अब तक जहाँ बैठी थी लाइक बस इतने एयरपोर्ट, अब मैं बाहर निकली तो नाउ इट्स लाइक ओके, बट मुझे ऑकवर्ड बहुत लग रहा है, वो बात तो है। ठीक है भाई, मेरे को एक ने पूछा आर यू सर्चिंग फॉर समवन और समथिंग, लाइक नो, देन ही सेड दैट नो यू वर सिटिंग देयर एंड नाउ यू आर रोमिंग हियर। देर उधर देख रही, मेरे को कुछ खाने का भी मन नहीं बिकॉज फ्लाइट में भी स्नैक्स थे और मेरे को भूख बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखते हैं यार क्या करे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। एंड देट मैन इज स्टिल वॉचिंग, आई डोंट नो, मैंने पता है कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ ये जगह का चक्कर लगा के वापस से उसी जगह पे आके बैठ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ खाने के आउटलेट्स है तो मुझे कुछ खाना है नहीं, और अगर ऐसे ही घूमती रहूँगी तो सबको लगेगा दैट आई एम फाइंडिंग समवन और समथिंग, आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग, तो इस हिसाब से मैं ज़्यादा फिर चक्कर भी नहीं लगाती रही। और फिर मेरे साथ लगेज भी है तो मैं लगेज लेके इधर उधर घूमूँ तो वो भी थोड़ा अजीब है। देखते हैं यार क्या करते हैं। मेरे को ना एक शॉप दिखी है यहाँ पे, मैं बैठे बैठे सोचती थी कि मैं उसी में चली जाऊँ।
सिर्फ चॉकलेट्स थी, नो बुक्स और नथिंग के लाइक मैं थोड़ा भी टाइम पास कर सकूं। यार एक्चुअली ना मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे जा रही हूँ किसी खाने के उसके पास और ये लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट कैन आई सजेस्ट यू, व्हाट कैन आई हेल्प यू। वो नहीं करना चाहिए, लाइक मेरे को खाना नहीं है। तो वो जो ऊपर ये जगह है ना, मैं सोच रही हूँ वहाँ जाऊँ, बट आई डोंट नो कि वहाँ पे ऐसे ही जा सकते हैं या नहीं। बट लेट्स सी, जाके देखते हैं, अगर मना किया तो ठीक है वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये वहाँ पे ऊपर बहुत बड़ा एरिया है। वहाँ बैठी थी मैं नीचे, पहले वहाँ अंदर बैठी थी, फिर यहाँ बैठी थी और अब यहाँ ऊपर आ गई। ओ यहाँ पे तो बाहर निकलने का रास्ता और मुझे बाहर नहीं निकलना। चलो वापस, यहाँ पे तो पैसेंजर्स के लिए है, उधर वेटिंग एरिया बैठने का। ठीक है चलो नीचे वापस। मैं पता है अपना लगेज लिए लिए फिर रही हूँ, तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट ठीक है। ऊपर ऐसा कुछ था भी नहीं, उन्होंने यही कहा कि रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट तो सब नीचे ही है, तो आप नीचे ही रहो। मैंने कहा नीचे से तो आ रही हूँ ऊपर यार देखने, बट अब अगर मुझे ऐसे किसी ने सच्ची में देख लिया ना तो पूछ सकता है कि यार क्या कर रहे हो। यार मैंने जो कहा था ना वही हुआ, मेरे को वहाँ पे रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा मैं नीचे से तो ऊपर गई हूँ कि नहीं, यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ बोर्डिंग पास, मैं यहीं से ऊपर गई हूँ यार, मैं सिर्फ देखने गई थी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आए हैं हैदराबाद या आप यहाँ से जा रहे हैं। मैंने कहा मैं यहाँ पे आई हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। मैंने कहा था ना कोई तो रोक लेगा, मुझे वही हुआ, बट ठीक है अब ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा और निकालना है। फाइनली माय कजिन है। हेलो, इस बंदी के लिए मैंने चार घंटे वेट किया है और भी दूसरे कजिन थे जो दूसरे रूम में, बट फाइनली वी रीच्ड होटल और अब जाके मुझे कहीं आराम मिला है सुबह से। लाइक डेढ़ घंटे की फ्लाइट थी बट स्टिल ऑलमोस्ट आधा दिन चला गया, बट यस नाउ इट्स बेटर और अब हम रूम में आ गए। So yes, bye.